दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो निफ्टी 50 के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, और यदि आप इस कंपनी को कल मार्केट ओपन होने के पहले ही बाद में खरीद लेते हैं तो आपको यहां पर इसके अंदर जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि मैं ये वीडियो सिर्फ डिविडेंड्स के लिए नहीं बना रहा हूं, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप इस शेयर को 22 अप्रैल 2021 के पहले पहले तक खरीद लेते हैं तो पर इक्विटी शेयर आपको यहाँ पर 20 रुपीज का डिविडेंड यहां पर यह कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर 19 और 20 तारीख आपके पास है, 19, 20 और 21, जिसके में आपको यह डिविडेंड यहां पर मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं इंटरिम डिविडेंड आपको यहां पर 200% का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी की बात करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छा वेटेज रखती है, और सबसे पहली बात ये MOS पे यहां पर चल रही है, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर गजब की है। और अगर यहां से ये शेयर गिरता है और अगर इसके अंदर आप एंट्री बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की, जिसका शेयर प्राइस अभी 1142 रुपये पर ट्रेड कर रही है। इसने पास्ट ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 549 यानी कि 549% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो यहां से आप देख पाएंगे कि आपको अपवर्ड के ही मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, NBFCs के अंदर ये काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है, और यदि इस शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने इस शेयर्स को पहले भी आपको रिकमेंड किया है, और इस शेयर्स के लिए मैं हमेशा यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में भी इसे रखना चाहूँगा, क्योंकि ये शेयर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जिस प्रकार मार्केट के अंदर करेक्शन चल रहा है, मार्केट डाउनफॉल में चल रहा है, उसके बावजूद यदि आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के जो Q3 के नंबर्स आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कंपनी कर रही है। तो हम यहाँ पर कंपनी के नंबर्स को भी देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम कंपनी के 52 वीक के लो की बात करें तो 658 रुपये का शेयर आपको 1400 रुपये पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में लार्ज कैप कंपनी है, 45,846 करोड़ रुपये की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके बाद में इंडस्ट्री पी रेशो देखेंगे आप प्राइस बुक से तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और प्राइस इक्विटी से भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर 73.4% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, और FII और DII की होल्डिंग्स को भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर पैसा लगा रखा है। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी के आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रहा है, और FII और DII की होल्डिंग्स तो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद में अब हम कंपनी के नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप यहाँ पर कंपनी की सेल्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छे मूवमेंट आपको सेल्स के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने मार्च 2020 में 9683 करोड़ की सेल बुक करी है। इसी के सामने नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफी जंप आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब हम बात कर लेते हैं, कंपनी यहां पर डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर को, क्योंकि उसके पास रिजर्व ही इतना है। जी हां दोस्तों, आप यहां पर कंपनी का रिजर्व देख सकते हैं, 11,414 करोड़ रुपए का कंपनी के पास फ्री रिजर्व है, जो कि अपने आप में एक बहुत एडवांटेज पॉइंट है। मैंने हर बार की तरह कहा है कि आपको EPS की तरफ भी नज़र रखना है, तो यहाँ पर बेसिक EPS भी अगर आप देखेंगे तो वो भी 78.30 का यहाँ पर कंपनी ने बुक किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर ROE की तरफ नज़र मारें, यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी की तरफ, तो वो भी आपको 26.52 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर लिवरेज रेशियो में अगर हम डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको 3.46 का परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं CAGR, तो लास्ट 3 इयर्स के CAGR के सेल्स का परसेंटेज अगर आप देखेंगे
तो 17.89% आपको यहाँ पर CAGR देखने को मिलेगा, जो कि मार्च 2019 से काफ़ी अच्छा है। और CAGR का नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर 37.94% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट CAGR भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम कंपनी के रेवेन्यू का चार्ट देखेंगे तो चार्ट बेसिस पर भी आप यहाँ पर इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि यहाँ पर 2017 से लेकर 2018 तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर बुक किया है। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि मार्च 2017 से अगर आप देखेंगे 2018, 19 एंड 20, तो 20 में कंपनी ने 9.71 करोड़ रुपए की यहाँ पर रेवेन्यू बुक किया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर बनाता है। उसी के साथ अगर हम कंपनी के चार्ट की तरफ भी नज़र मारेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने हाई रिटर्न्स, मीडियम और लो सभी में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो कंपनी के शॉर्ट टर्म टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। 1647 रुपए के यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट निकल कर आ रहे हैं कंपनी के। और यहाँ पर मीडियम टारगेट जो है वो है 1449 रुपए के, जो आपको क्वार्टर फोर के नंबर्स आने के बाद में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी के लो यानी कि कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर 1200 रुपए का भी टारगेट आपको अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन सारे टारगेट्स का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर कुछ कैंडल्स को यानी कि चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी अभी बुलिश मूवमेंट में चल रही है, यानी कि इसके जो मोमेंटम निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1100 रुपए का आपको यहाँ पर लेकर चलना है। 1100 रुपए के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। यदि इस शेयर प्राइस से यहाँ पर गिरावट होती है तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं लेना है, आपको सिर्फ इसके अंदर वेट करना है एक राइट टाइम का। तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एक बहुत अच्छा शेयर है, यदि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं पर्सनली आपको इसके लिए रिकमेंड करना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के अंदर अगर आप 19, 20 और 21 तारीख तक एंट्री ले लेते हैं तो 20 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।